खबर मुंबई से। मुंबई में होर्डिंग हादसे, मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 16 हो गई है। कल पेट्रोल पंप पर मलबा हटाने के दौरान कार से दो और शव मिले। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने वाली जगह पर बुधवार को लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इसी बीच दो और शव को निकाला गया। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया है। बता दें कि मुंबई में सोमवार की दोपहर धूल भरी आंधी और बारिश हुई थी। इस दौरान घाटकोपर में एक होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया था। करीब 100 फीट ऊंचे और 250 टन वजन वाले लोहे के होर्डिंग के नीचे कई कार, टू व्हीलर्स और लोग दब गए थे। होर्डिंग केस में पुलिस ने भावेश भिंडे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। घटना के बाद से आरोपी भावेश भिंडे फरार है। तमिलनाडु के मदुरई के अवनियापुरम के पास कचरा डंप यार्ड में लगी आग पर काबू नहीं पाए जाने से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई। तमिलनाडु के मदुरई वल्लईकल कचरा डंप यार्ड में पिछले एक हफ्ते से आग लगी है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें पिछले एक हफ्ते से आग बुझाने की कोशिश कर रही है। सामने आई ताजा ड्रोन तस्वीरों में कचरा डंप यार्ड पर अब भी धुआं दिखाई दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच के बाद ऐसा लग रहा है कि ये किसी की लगाई हुई आग है। उनके मुताबिक किसी ने सूखी घास में आग लगा दी होगी जो डंप यार्ड तक फैल गई। 7 मई की दोपहर को अवनियापुरम के पास वल्लईकल कचरा डंप यार्ड में आग लग गई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक इलेक्ट्रिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की वजह से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि आग की वजह से दुकान के तीसरे मंजिल पर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग इतनी भयावह थी कि करीब आधे घंटे तक दोनों ही मंजिलों पर सिर्फ आग ही आग दिखाई दी। आग लगने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आग लगने के तुरंत बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी हम लोगों ने डायवर्जन क्रिएट कर दिया है, 3 फायर टेंडर्स इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। रिहायशी इलाका भी है, इसलिए बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया। खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां पर गर्मी से परेशान लोगों की समस्या पानी की कमी से और ज्यादा बढ़ गई है। पानी की मांग को लेकर लोगों ने नगर निगम में जमकर प्रदर्शन किया। खाली बाल्टियों के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं, जहां लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं, लेकिन पानी की कमी की समस्या ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। इसी के चलते लोगों ने नगर निगम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और पानी सप्लाई को ठीक करने की मांग की। पीने तक के लिए पानी नहीं है, दूसरे मोहल्लों में से जाके पानी लेके आना पड़ रहा है। हमें हर बार आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका एक हफ्ते में सही हो जाएगा। कभी कहीं का ट्यूबवेल खराब कर देते हैं, कहीं का ट्यूबवेल खराब कर दें। पानी एक बूंद नहीं मिल रहा हमें, एक महीना हो गया परेशान होते होते।